हेलो ये अनंता के लिए है। अच्छा तो यार हम ब्लॉग में एकदम कैसी बातें कर रहे हो। चलो तो गाइस हम लोग भी मिलेंगे अब इनसे भैया से मनाली में। और अगर मेरे सब्सक्राइबर्स यहाँ पे आए तो कमेंट कर दो। ये बात तो दुपट्टा है यार, ये पेस्ले का अच्छा है। थैंक यू पेस्ले। डब्बे का डब्बा श्रीनगर जम्मू कश्मीर सारा घूम के वापस गुड़गांव आ गया। तो गाइस प्रसाद बट रहे, प्रसाद। हेलो मैंने आपको पता है मैं अपना इवेंट छोड़ के आई हूँ अभी। अच्छा, स्पेशल नहीं इवेंट में रहती हूँ। आप देख ही रहे हो मैं ड्रेसअप हो रहा हूँ। तो यार भाई गाइस देखो कौन है मेरे साथ, भाई अश्विनी भैया। बढ़िया बड़ा अच्छा लगा आपको। और पक्का ये छोटा सा गिफ्ट है ये प्यार से। अनंता के लिए है। अच्छा तो यार हम ब्लॉग में एकदम कैसी बातें कर रहे हो आप। आपको क्या लग रहा है हम ऐसे टाइम पास कर रहे हैं? तो यार मतलब हम स्पेशली आए हैं इसीलिए, और मैं इसीलिए आई हूँ स्पेशली। अच्छा देख लो है ना। और गाइस यहाँ देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने वीडियो कॉल पे देखा था। हाँ, और देखो मिलने भी आ गया था, लाइव मिलने के लिए आ गया। और यहाँ पे ब्लॉग भी चला हुआ है। यस गाइस और एक और चीज है, थैंक यू सो मच इसके लिए। अरे यार छोटा सा है ये, ज्यादा तो नहीं कर पाए। मना लिया होगा मेरे पास। हाँ अब तो आना ही पड़ेगा। हाँ यस है ना। बाकी यार ये छोटा सा गिफ्ट है लेकिन पता है क्या, किसके लिए ये? के लिए है। और बहुत कम लोग होते हैं जो उसका नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए। चलो तो गाइस हम लोग भी मिलेंगे अब इनसे भैया से मनाली में। पक्का। और बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं हम अपनी स्कॉर्पियो इनको आपके पास लेके आने वाले हैं। इनको काम है इसलिए हम इनको फोर्स नहीं कर सकते आज हमारे पास रुकने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगता हमको अगर आप हमारे पास। बड़ी बात है, ऑफ रोड करेंगे ठीक है। हाँ है ना जय, आपको पार्टी कराऊंगा। चलो ओके ओके भैया थैंक यू सो मच। और अगर मेरे सब्सक्राइबर्स यहाँ पे आए तो कमेंट कर दो। ये बात चलो ओके ओके गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय। One hour later. तो गाइस घर पहुँच गए हैं अब हम। और भैया अश्विनी भैया से तो मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और ये मुझे एक फेलिसिटेशन में गिफ्ट मिला है पेस्टले से, जहाँ मैं आज इवेंट के लिए गई थी। तो एक्चुअली मैंने वो इवेंट पूरा अटेंड करना था लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था यार, मतलब मुझे लगा ये चांस पता नहीं फिर जल्दी से जल्दी कब मिलेगा, तो जाके पहले मिला जाए। तो इसलिए मैं फटाफट इवेंट छोड़ के वहाँ पहुँच गई थी। अब वापस आ गए हैं तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो मुझे मिला है ये, मुझे स्टोर लग रहा है ये शायद। तो या कुर्ती भी हो सकती है, आई डोंट नो, कुछ लग रहा है अंदर। हाँ आई थिंक दुपट्टा है मेरे ख्याल से। हाँ तो दुपट्टा है यार ये पेस्ले का, तो काफ़ी लंबा है यार। Nice. अच्छा है, थैंक यू पेस्ले। और जल्दी इनके स्टोर पे जाना पड़ेगा कुछ तो शॉपिंग करने के लिए, तो लेट्स सी क्या। The next day. हेलो गाइस नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। और गाइस टाइम हो गया है 11 और हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है अब। यार छुट्टी वाले दिन ऐसे होता है, मुझे हर बार डांट पड़ती है रतन से कि यार इतनी इतनी लेट ब्रेकफास्ट कराती है, जय को भी और खुद भी। और आज तो रतन को भी बेचारे को लेट ही ब्रेकफास्ट मिल रहा है, काम पे चले गए थे सुबह सुबह एक्चुअली माय डियर हस्बैंड। तो यार बहुत मेहनत करके आते हैं हम, इनको हम आलू पूरी खिलाने वाले हैं। तो यार गाइस मैंने आज बनाया है आलू पूरी। मैं वैसे प्रेफर नहीं करती यार पूरी वूरी बनाना घर में, लेकिन यार आज वो था ना छुट्टी वाले दिन जिस दिन बहुत मन करता है। तो बड़े दिन हो गए थे, मैं बड़े महीने ही हो गए इनफैक्ट पूरी घर में बनाए हुए, तो आज मैंने सोचा आलू पूरी बनाते हैं। तो बस आलू रेडी है, रायता रेडी है, अब मेरी पूरी भी मैं ऑलरेडी बेल चुकी हूँ, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये देख। और अब बस मैं पूरी डालने वाली हूँ इसमें। हाँ बिल्कुल आज तो खिलाऊंगी। और ये कैची पूरी कढ़ाई के अंदर फूल जा फूल गई है मस्त। ये वैसे थोड़ा ज़्यादा बड़ा पूरा बन गया है, भटूरा बन गया ये। चलो कोई बात नहीं, तो हो गया। देखो देखो पूरी आई है, पूरी आई है।
गरम है अभी। और ये रहे आलू यार, और ये रहा रायता, ये देखो रायता मैंने बनाया है, मैंने बूंदी का रायता, बूंदी का रायता। तो ये गाइस स्काई की प्लेट आ चुकी है, स्काई खाना खाएगी आज बरसों बाद मेरे पास। प्लेट उठा ले फटाफट, ठंडा मत कर, पूरी गर्म ही अच्छी लगती है। और बताना कैसी लगी खाते। और जय को भी पूरी आलू दे दिया है मैंने, आलू तो ये छू छू के खाने वाला है वैसे तो। अब पूरी देखते हैं, काउंट करूँगी कितनी खाओगे आज। चलो खाना शुरू करो पहले। यस हाउ वाज इट। तो गाइस मेरी प्लेट भी आ गई है, जो बचा हुआ रायता था वो मेरे हिस्से। एक्चुअली में इतना सा रायता हम तीन लोगों को हो गया यार, सही है, मुझे लग रहा था कम ना पड़े। चलो अब खाते हैं पीते हैं और सो जाते हैं दोबारा से। क्या नहाना धोना करना है, तो मैं तो नहाई भी नहीं हूँ, तेल लगा के बैठी हूँ सिम में, तो बस खाते हैं और फिर फ्रेश होकर नहा के बैठते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। A few moments later. और गाइस द मच अवेटेड 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 हमारा औजार आ चुका है अमेजोन से अभी अभी। तो यार मेरे को एक्चुअली में ना भी रिसेंटली किसी ने कमेंट भी किया था वीडियो पे कि प्लीज़ यूज़ माइक। तो मतलब मुझे पता था कि इस बात का कि मुझे माइक की ज़रूरत पड़ती है बाहर, बट हम लोग एक्चुअली में ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कौन सा बेस्ट माइक लेना चाहिए। तो फाइनली हमने डिसीजन लास्ट वीक ले लिया था, लास्ट वीक क्या मतलब तीन चार दिन पहले, और ये हमने कल परसों ऑर्डर किया तो आ गया है। अब आपको बाहर जाके भी हमारी परफेक्ट आवाज़ सुनने वाली है और कहीं पे अब दिक्कत नहीं आएगी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अब इसको टेस्टिंग करते हैं और फिर देखते हैं, और फिर आप बताना जब मैं नेक्स्ट टाइम बाहर जाऊँगी। नेक्स्ट टाइम का मैं कल ही जा रही हूँ वैसे तो कल टेस्टिंग होगी इसकी प्रॉपर वाली, तो अभी हम ट्राई करते हैं। और ये हमने अनबॉक्स कर दिया है, बोल ले। ओ, ये तो बहुत छोटा है, ये वैसे वीडियो में बड़ा लग रहा था इतना। हाँ। तो गाइस DJI का माइक है हमारा, बेबी माइक है। तो 1 hour later गाइस नहा रोके तो हो गई हूँ फ्रेश, लेकिन यार यही करते करते 2 बज गए हैं, मतलब कि फिर से लंच का टाइम हो चुका है। अब मुझे फिर समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सबसे टफ काम है यार ये, मतलब अगर आप कुछ जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, आप लोगों में से जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं और जिनका काम भी ऐसा कुछ रहता है कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बारे में सारा दिन सोचना है, तो यार कमेंट करके बताना ये कितना टफ है आपके लिए या कितना इजी लगता है आपको। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ताकि मुझे ये ना लगे कि यार मैं ही तो नहीं हूँ, मतलब सिर्फ ऐसे जो शायद किचन से बचती रहती हूँ। देखो बचती तो मैं ज़रूर रहती हूँ, मतलब मेरा बस चले तो मैं खाना कभी ना बनाऊँ, लेकिन फिर कई बार क्या होता है ना, जैसे कुक बुक तो मैंने बहुत बार रख ली है यार, लेकिन कई बार वो सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है किसी और के खाने से, बस वो प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे लगता है कि यार खुद बनाना है, लेकिन क्या बनाना है भाई, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो बताना अगर आप लोगों को भी ऐसा ही फील होता है तो देखते हैं, बाहर जाके पूछती हूँ कि क्या खाने का प्लान है, और अगर कहीं जाने का प्लान है तो उससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। चलो और माइक की बात तो मैंने की नहीं भाई, बड़ी जद्दोजहद के बाद रतन ने फाइनली माइक की सेटिंग कर दी है, और थैंकफुली माइक मतलब मेरे फ़ोन के साथ ब्लूटूथ के साथ जी अटैच हो गया है, कनेक्ट हो गया है, तो अब थोड़ा बहुत समझ आ गया कि कैसे ऑन करना है ऑफ़ करना है। भाई तामझाम है, मतलब मोटे वाला ना, मतलब ये DJI के जो बेसिकली इक्विपमेंट्स आते हैं ना, है तो मतलब नंबर वन, लेकिन यार इनकी कनेक्टिविटी, इनको यूज़ करने का तरीका, मतलब इट्स वेरी हाई लेवल हाईटेक वाला काम है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने समझ तो लिया, लेकिन जब तक मैं एक बार यूज़ करके नहीं देखूंगी ना अपने आप से, तब तक पता नहीं चलेगा। तो अभी तो मैं फ़ोन नॉर्मल रिकॉर्डिंग से ही कर रही हूँ, अपने नॉर्मल फ़ोन से ही कर रही हूँ, माइक से नहीं, मैंने कहीं माइक नहीं पहन रखा है अभी, बट जब पहनूंगी तब ज़रूर आपको बताऊंगी, और तब आप मुझे बताना यार कि कैसे। बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करो डब्बे को उठा के गोलगप्पे का, और ख़त्म करो मेरे यार। यार ये इंस्टेंट बनाया है, देखो मैं ऐसी कोई शायरी वाली तो करती हूँ, आपको पता ही है शायरी में तो बहुत ही बकवास हूँ वैसे, लेकिन हाँ टूटी फूटी कई बार
चला देते हैं हम लोग भी काम यार। तो एक्चुअली में क्या है कि हाँ बस ना एक गोलगप्पे का डब्बा हमने पता नहीं कब से ला के रखा हुआ था। एक्चुअली में जय को बहुत ज़्यादा पसंद है गोलगप्पे, ऐसे घर पे खाना, बाहर के पसंद नहीं है, तो घर पे अच्छे लगते हैं। तो हल्दीराम्स का ना ये आता है देखो, तो ये हम लेके आए थे बहुत पहले, और ये डब्बा हम लोग एक्चुअली में श्रीनगर, अभी हम जो लास्ट अपने अगर वीडियोज़ देखी होंगी है मेरी, तो हम लोग जो लास्ट ट्रिप श्रीनगर का मार के आए थे ना, उसमें भी हम ये लेके गए थे कि कैंपिंग के टाइम पे क्या पता मन कर जाए तो वहाँ खाएंगे। भाई वहाँ डब्बे का डब्बा श्रीनगर जम्मू कश्मीर सारा घूम के वापस गुड़गांव आ गया, हमको टाइम नहीं मिला वहाँ पे गोलगप्पे खोलने का। तो अब फाइनली आज हमने डिसाइड किया, आज जय की है छुट्टी, आज है मंडे, पर अभी अभी बस हमने आज आपको पता है जैसे मैंने दिखाया था सुबह की हमने आलू पूरियाँ वगैरह खाई थी, पूरी वगैरह हम लोग को तो बड़ी वो हैवी हो जाती है यार, तो रतन और मैंने सोचा कि आज लंच नहीं करेंगे, तो इसलिए अब सोचा कि यार गोलगप्पे खोले जाएँ, है ना। तो जय को तो मैंने फटाफट लंच कराया, भाई वो तो भाई जवान बच्चा है उसको तो रोटी की ज़रूरत होती है, तो उसको मैंने पहले तो रोटी खिला दी, अब मैंने कहा अब तो आ जा गोलगप्पे की रेस के लिए। तो अब चलो लेके चलते हैं। इसमें डाल दिए मैंने सारे गोलगप्पे, ये है हमारी मीठी चटनी, ये हो गई बूंदी, ये मैंने पहले से ही छोले और आलू उबाल के रखे थे, इनको भी उबाले मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, तो ये आज काम आ रहे हैं। और हाँ ये है जी जो वो होता है ना पानी का मिक्सचर, तो बस इसको मैं अब डालने वाली हूँ और इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे और ये तैयार हो जाएगा, और चलते हैं अंदर लेके उस रूम में बैठे हुए हैं ये दोनों। तो यार आप लोग को पता है कि हम लोग मिर्ची बहुत कम खाते हैं, और इस वाले पानी में ना मतलब जो ये वाली इसकी एक्चुअली में ये मसाले की चटनी सी बनाई होती है इन्होंने, तो ये पैकेट पूरा डाल दो अगर आपको बहुत मिर्ची पसंद है, लेकिन हम लोग बहुत कम मिर्ची खाते हैं इसलिए मैं इसका ना हाथ भी नहीं डालती हूँ, तो हमको तो भैया वो पानी अच्छा लगता है और मीठी चटनी तो हमारे पास है ही है, तो बस इसका मैं हाफ डालूंगी सिर्फ और फिर पानी मिक्स कर दूंगी चिल्ल देता हूँ। चलिए प्लीज़ लेके इसको उठाइए, जी आया मेरी हेल्प करने। गोलगप्पे 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 उठो उठो उठो। रुको जरा सबर करो। तो गाइस प्लान बना है अभी हमारा पार्क जाने का, एक्चुअली अभी सिमर भी नहीं थी यहाँ पे तो वो भी वापस आ गई है, अब हम जा रहे हैं पार्क की तरफ। ठीक है ठीक चलो चले। भाई ये देखना हट ही नहीं रहा है यार, इतने प्यार में डूबा हुआ है, गाड़ी में बैठने लगे और हट ही नहीं रहा था, इसको हटा रही है। तो चलो जी लेट्स गो। तो गाइस प्रसाद बैठ रहे हैं, प्रसाद 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 प्रसाद। अरे वाह भाई वाह। तो गाइस ये गई थी अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और वहाँ का प्रसाद है ये और पापड़। और अब हम पार्क से हो गए हैं फ्री और अब चल रहे हैं घर की तरफ। तो गाइस डिनर विनर करके हो गई मैं फ्री और अब टाइम आ गया किचन को क्लोज करने का, तो यार करते हैं क्लोज, कल जय का स्कूल और टाइम से सोना है, तो इसलिए बस करते हैं तैयारी अब सोने की तरफ, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट सर बम्बा।